हमारे पवित्र आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी बड़े भाई श्याम सिंह मरकाम जी, आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आसाम के सांसद जी, उनको भी मैं तहे दिल से अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हमारे आदरणीय बड़े भाई पूर्व विधायक दर्बू सिंह उइके जी, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भाई, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। भोपाल से आए हमारे रसवंत कुमार जी, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और ये अब सभा सम्मेलन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बड़े ताकत के साथ हमारा गोंडवाना का जो योद्धा है वो जाग चुका है साथियों। अब आपको केवल इतना देखना है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 सालों में 70 सालों तक कांग्रेस के चोर लोग राज करते रहे, लेकिन हम तो भिखारी होते चले गए। हमारी गोंडवाना की राजपाल धन धरती सब छिपती चली गई। इसके बाद जो है भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस छत्तीसगढ़ की धरती में भी रमन सिंह की भाजपा की सरकार आई। आप अगर सोचेंगे इन 75 सालों में जब ये लोग हमारा, इस चोर लोग हमारा विकास नहीं कर पाए, तो जीवन में कभी हमारा विकास नहीं करने वाले साथियों, आपको यहाँ से गांड बांध के जाना पड़ेगा। बाबा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में जो ये गोंडवाना आंदोलन तंदर झंडा उठा दिया है, इसलिए दिया है जब उन्होंने देख लिया भाजपा और कांग्रेस की करनी और कतनी। आप सोचेंगे ये देश को बेच रहे हैं, ये संविधान को खत्म करने वाले हैं, ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। और अगर आप लोग सोचते हैं कि भाजपा और कांग्रेस अलग अलग है, ये दोनों एक एक कसाई है और एक महाकसाई है। इसलिए साथियों हमको इनसे सतर्क रहना है। और इस जो 2023 में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं 2023 में, इस बार हमको अपने बीच से अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी से बड़ी बहुमत से विजयी बना के हम मध्य प्रदेश की विधानसभा भेजेंगे। तो आरक्षण तो खुद हम विधानसभा में सब पास कर लेंगे, और भी जो सुविधाएं हमारे लिए वो सब कुछ हम कर लेंगे। अगर हमारी सरकार होगी तो हम सब कुछ करने के लिए ताकतवर है साथियों। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुदूर जंगलों से भारी संख्या में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के सिपाही सुदूर जंगलों से निकल के रायपुर की पावन धरती में यहाँ पर एकत्रित हुए अपने हक और अधिकार के लिए साथियों। अभी यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चोर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ियां यहाँ से जा रही थी। मैं पुलिस वालों को बोलना चाहूंगा साहब, और इस मुद्दे पर यहाँ छत्तीसगढ़ का जो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उसको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अभी आदिवासी ये युवा हमारा, ये हमारे बुजुर्ग, ये माताएं बहने दादा हीरा सिंह मरकाम ने अपनी ताकत दे दी है, तुम्हारे ये गाड़ियों में टू टू करने से डरने वाला नहीं है। आज हम लोग मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बंगला घेरने के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो उनका घर है उसको घेरने के लिए जा रहे हैं। आज वो ताकत हम पे जो आई है वो पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम की बदौलत आई है साथियों। और ये मत सोचना कि छत्तीसगढ़ की धरती नहीं है पीली क्रांति है, भारत देश के कोने कोने में दादा हीरा सिंह मरकाम की जो चिंगारी थी वो सोना बन चुकी है। और खासकर बोलना चाहता हूँ पूरे देश का जो युवा है वो आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जाग चुका है साथियों। मैं जैसे हर मंचों के माध्यम से आपसे बोलता हूँ कि अगर आप लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को जरा सा भी मानते हैं तो यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि 2023 में दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन में प्रत्याशी कोई भी हो, हम केवल अपनी आरी चुनाव चिन्ह देखेंगे, उसके सामने वाली बटन दबाएंगे साथियों। तो आप लोग जो भी संकल्प लेना चाहें, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ किसी से, अगर आप संकल्प लेना चाहें, मंच में बैठे हुए सगाजन हमारे पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपना अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधेंगे और प्रगति शक्ति फड़ापेन महादेव का संकल्प लेंगे, दादा मरकाम का संकल्प लेंगे कि आने वाले 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और अगर आपने
खासकर जो सब लोग खड़े हुए उनसे ये बोलना चाहता हूं, अगर जरा सा भी आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हो, लेकिन आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अगर तुमने गलत संकल्प ले लिया आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, कोई पंडा सही नहीं कर पाएगा, आप लंगड़े हो जाओगे, कोई पंडा नहीं सही कर पाएगा, ध्यान दे लेना। तो सभी लोग अपना मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर कर ले जो दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं, ये संकल्प ले रहे हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना हम साकार करेंगे। ठीक है, जय 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 जय